धनबाद जिले के कतरास में आजसू प्रत्याशी सीपी चौधरी ने रोड शो छाताबाद पुल से सूर्य मंदिर कतरे नदी तक किया। रोड शो में आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो, भाजपा नेत्री रागनी सिंह शामिल हुए। रोड शो प्रारंभ करने से पहले भाजपा आजसू कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेत्री रागनी सिंह, आजसू प्रत्याशी सीपी चौधरी और सुदेश महतो का उत्साह के साथ स्वागत किया। रोड शो में भाजपा और आजसू कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ा। सुदेश महतो, भाजपा नेत्री ने लोगों का अभिवादन करते हुए सीपी चौधरी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। रोड शो के दौरान जय श्री राम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा कार्यकर्ता लगाते रहे। वहीं भाजपा नेत्री रागनी सिंह ने कहा कि गिरिडीह लोकसभा में आजसू प्रत्याशी की जीत होगी। प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल को जनता देखी है। वहीं आजसू प्रत्याशी सीपी चौधरी ने कहा कि बागमारा विधानसभा हमेशा एनडीए के गढ़ रहा है, इस बार भी यहां वह लीड करेंगे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहले अपना सरकार संभाले, भ्रष्टाचारी लोगों को पहले ठीक करे। वहीं सुदेश महतो ने कहा कि बागमारा विधानसभा एनडीए सनातनी सोच के लोग रहते हैं, मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। उनका प्रत्याशी पहले सीसीएल में काम कर चुके हैं, मजदूर वर्ग के बीच में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से नेतृत्व देने की तैयारी कर ली है। जेएमएम से विकास की आशा रखना बेईमानी है। 4.5 साल के कार्य में झारखंड में कोई विकास नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोगों के अंदर रुझान हम देखे, मुझे लगता है कि पिछली बार से इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से भारतीय जनता पार्टी और केला छाप को अधिक से अधिक मत देकर झारखंड की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को झोली में डालने का काम करेगी, निश्चित तौर से जो रुझान देखे। और सभी सबसे ज्यादा ये अहमियत है कि आज एक डेट में जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों पर जो लोगों के अंदर रुझान और प्यार दिख रहा है वो किसी से छुपी नहीं है। और हम लोग देखें कि पूरे कतरास में माननीय सुदेश महतो जी, माननीय चंद्र प्रकाश जी, हम लोग पद यात्रा करते हुए और हम अपना एक सभी से अपील किए रोड शो के माध्यम से, काफी लोगों का प्यार स्नेह आशीर्वाद प्राप्त हुए। इसके लिए मैं बागमारा जितने भी जनता है और हमारे जितने भी शुभचिंतक साथी है, मैं दिल से धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ सभी को। निश्चित तौर पर कतरासगढ़ में वास्तव में भाजपा का गढ़ है, एनडीए का गढ़ है, तो जनसैलाब आप लोगों ने देखा, इससे साफ है कि निश्चित तौर पर यह सीट गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र रिकॉर्ड तोड़ वोट से हम लोग जीतेंगे और पिछले बार से दुगुना वोट से हम लोग चुनाव। निश्चित तौर पर जय श्री राम, रामलला की मूर्ति स्थापित हुआ है तो लोग जय श्री राम का नारा निश्चित तौर पर लगाएंगे। जो हम लोगों का उपलब्धि है, मोदी जी का उपलब्धि है, सरकार का उपलब्धि है और करोड़ों लोगों का आस्था का प्रतीक है, तो निश्चित तौर पर जय श्री राम का नारा लोग लगाएंगे। एक चंपई सोरेन जी क्या बोलेंगे, पहले अपना सरकार संभाले अच्छा ढंग से, जो भ्रष्टाचारी लोग को पहले वो ठीक करे, उसके बाद दूसरे की। ये आशीर्वाद है यहाँ की जनता का और ये प्यार स्नेह 19 में भी मिला था और अभी भी वही प्यार स्नेह उससे भी बढ़कर लोगों का संगठन के प्रति और खासकर मोदी साहब के प्रति इस देश का नेतृत्व फिर से सौंपने की तैयारी है। जनता पार्टी की ये नेत्री हैं और इनका अपना क्षेत्र और इस क्षेत्र में भी इनके मजदूर संघ और इनके बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं। इनका पूरा समर्थन आज हमारे एनडीए को मिला है और मुझे पूरा विश्वास है कि इनका मेहनत एक बड़ा अंतर तैयार करेगा। उनके बीच से हैं, हमारा कैंडिडेट उन्हीं के बीच से है, वही सीसीएल के एक मजदूर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है, इस बात को शायद सभी लोग नहीं जानते कि सीसीएल में इन्होंने अपनी सर्विस की प्रारंभ किया, उसके बाद राजनीति को स्वीकार किया है, तो एक कर्मचारी के रूप में सीसीएल से जुड़े हुए हैं पहले से। और आज जिस क्षेत्र में है ये पूरा मजदूरों का क्षेत्र है, मजदूर का नेतृत्व करने वाला उनके बीच में है, उनका प्यार स्नेह और उनकी जरूरतों को वो बेहतर समझते हैं। जब ज्यादा प्रत्याशी होते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रतिशत बढ़ता है, क्योंकि स्थायित्व है गिरिडीह जैसे क्षेत्र में लगातार, ये केवल चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने उससे पहले से ही, यहाँ एनडीए मानसिकता के लोग, भारतीय जनता मानसिकता के लोग स्थापित है और वो हमेशा भारत के सोच के साथ कदम ताल करते हैं, भारत की तरक्की में अपना योगदान देते हैं। इस देश में लंबे समय के बाद, लंबे अरसे के बाद आदरणीय मोदी जी के पक्ष में एक जनमत पूरे देश में तैयार हुआ है, 10 साल के शासन पर विश्वास बढ़ा है और आगामी तैयारी, हमारा लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है एनडीए का कि जब हम देश में 100 साल मनाएंगे, 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे,
तो यह देश विश्व के अग्रणी पाती में खड़ा होगा। यही तैयारी, यही संकल्प के लिए वोट दान करेंगे। 4.5 साल में अपना बदला हुआ नाम यूपीए का, उसका तो कोई मैजिक दिखा नहीं। तुष्टिकरण की राजनीति से बाहर एक स्रोत इनके पास नहीं है। इस राज्य के डेवलपमेंट का कोई मानक इनके पास नहीं है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे लोगों से विकास की आशा करना बेईमानी है।